हेलो देयर एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल MDCTI इंडिया में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि टैली पर काम करने से पहले टैली को इंस्टॉल करना जरूरी होता है। तो टैली को आप कहां से इंस्टॉल करेंगे, टैली को इंस्टॉल करने के लिए कौन कौन से सेटिंग्स आपको करने पड़ेंगे, आगे उनको कौन कौन से परमिशन से अलाउ करने पड़ते हैं, ये सारे डिटेल्स आपको मैं बताने वाला हूं। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तो आइए टैली का फुल इंस्टॉलेशन प्रोसेस हम देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं आ चुका हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और आपको दिखाता हूँ कि टैली के सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कहाँ से करना है और उसको आपको इंस्टॉल करने में क्या क्या सेटिंग्स करनी होगी। तो चलिए सबसे पहले हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर गूगल क्रोम को ओपन कर लेते हैं। गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद आपको google.com में लिखना होगा Tally ERP 9 डाउनलोड, जैसे कि मैंने नीचे लिखा हुआ है Tally ERP 9 डाउनलोड। Tally ERP 9 डाउनलोड लिखने के बाद आपको फर्स्ट वाला जो Tally solutions.com, ये टैली की ऑफिशियल वेबसाइट है, बट इस पे अगर आप क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद आपको टैली प्राइम जो कि टैली का लेटेस्ट वर्जन है वो डाउनलोड होने के लिए कहेगा। Tally ERP 9 आप डाउनलोड नहीं कर सकेंगे। तो टैली अगर ERP 9 डाउनलोड करना है आपको विद GST के साथ, इसमें भी GST है, लेकिन बोलते हैं ना कि इंटरफेस सबका अलग अलग होता है, तो टैली प्राइम का भी वही काम है बट इसका इंटरफेस अलग है, काम करने का तरीका सेम है, खाली प्लेसेस चेंज होते हैं। तो यहां से आप टैली प्राइम रिलीज वर्जन 1.1.4 डाउनलोड कर सकते हैं, बट आपको Tally ERP 9 डाउनलोड करना है। तो मैं थोड़ा सा बैक जाता हूं। बैक जाने के बाद आपको दिख रहा होगा और नीचे आना है, और नीचे आने के बाद यहाँ पे दिख रहा होगा Tally ERP 9 डाउनलोड.com, ये सेक्शन में आपको जाना है और यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये वेबसाइट ओपन होगी। आप देख पा रहे होंगे टैली प्राइम, टैली 9, टैली 7.2, टैली सर्वर, टैली डेवलपर, टैली शॉपर, माइग्रेशन टूल्स, टैली के सारे टूल्स आप यहाँ इस वेबसाइट से ओपन कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा टैली प्राइम, तो टैली प्राइम लेटेस्ट वर्जन फ्री डाउनलोड। आपको टैली प्राइम नहीं चाहिए, अगर आपको टैली प्राइम चाहिए तो यहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं, बट हमें चाहिए Tally ERP 9 लेटेस्ट वर्जन फ्री डाउनलोड। आपको यहां से क्लिक कर देना होगा। जैसे ही आप यहां पे क्लिक करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि टैली का जो 113 MB का सेटअप है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है। हालांकि मैं इसको सेटअप को, चलिए बहुत अच्छी स्पीड हो रही है और अभी तुरंत ये डाउनलोड भी हो जाएगा। हमारे पास जो लेटेस्ट टैली भी नहीं थी, तो इस वीडियो को बनाते समय हमारे पास लेटेस्ट टैली भी अब डाउनलोड हो चुका है। डाउनलोडिंग में थोड़ी समय लग रही है, तब तक मैं आपको बता दूं कि जो अगला वीडियो आएगा टैली को इंस्टॉल करना, तो मैं आज बता दे रहा हूं, बट अगली वीडियो में आपको मैं टैली के शॉर्टकट्स पहले बता दूंगा कि टैली के कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स क्या होते हैं, तभी जाकर आप आगे क्या कर पाओगे, टैली में बहुत अच्छे से वर्क कर पाओगे। क्योंकि टैली को यूज करने पर जैसे प्रिंट करना या फिर बैग जाना, ये तमाम सारे जितने भी आप विंडोज में काम करते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होता है टैली सॉफ्टवेयर में। तो हालांकि 50% यहां पर डाउनलोड हो भी चुका है, मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट करता हूं। तो आप यहां पे देख पा रहे होंगे कि टैली का सेटअप हमारा डाउनलोड हो चुका है लगभग, और अभी कुछ ही सेकंड्स में ये फुल डाउनलोड हो जाएगा इसका कंप्लीट। आप देख पा रहे होंगे कि यहां पे मैं शो फोल्डर में क्लिक करता हूं और यहां पर ये सारे देखिए सेटअप का जो ओरिजिनल फाइल है ये हमारे पास आ चुका है। 112 MB का ये सेटअप हमारे डाउनलोड सेक्शन में आ चुका है। अब मैं टैली को इंस्टॉल करता हूं। तो टैली को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा, ये जो सेटअप है आपका, इस सेटअप को डबल क्लिक करना होगा या फिर राइट क्लिक कर आपको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर लेना होगा। रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर लीजिए आप। रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करते ही आपके सामने परमिशंस मांगेगा, डू यू वॉन्ट टू अलाउ दिस एप्लीकेशन टू मेक चेंजेस टू योर डिवाइस। तो इसको आपको करना क्या होगा, यस करना होगा। यस करते ही आपको यहां पे टैली का ये परमिशंस होते हैं, इन परमिशंस को यस करना होता है। अब आपके सामने जो एटमॉस्फेयर आ रहा होगा देख पा रहे होंगे आप, Tally ERP 9 एम्पावरिंग बिजनेस सिंस 1986, और ये जो इसका न्यू इंस्टॉलेशन वर्जन है Tally ERP 9 सीरीज रिलीज वर्जन 6.6.3, 64 बिट का एप्लीकेशन है ये। देखिए दो वर्जन होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि कोई भी सॉफ्टवेयर अगर आप इंस्टॉल करते हैं तो सिस्टम के आर्किटेक्चर के अनुसार किया करें, क्योंकि सिस्टम का आर्किटेक्चर अगर 32 बिट का है और आप सॉफ्टवेयर 64 बिट का डालते हैं तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा।
इसके जस्ट नीचे वाले सेक्शन में आप देख पा रहे होंगे कि जो टैली का डाटा है वो उसमें इंस्टॉलेशन फोल्डर कह रहा है, यानी कि जब टैली इंस्टॉल होगी तो उसका फोल्डर कहाँ होगा, जब भी आप टैली पे काम करेंगे तो वो उसका जो टैली का डाटा होगा वो किस फोल्डर में जाकर सेव होगा। तो उसके लिए आपको सी ड्राइव प्रोग्राम फाइल्स में जाकर टैली नाम के फोल्डर में tally.erp9 नाम का एक फोल्डर बन जाएगा और यहां पर आप इस फाइल को बाय डिफॉल्ट अपने आप ही इंस्टॉल कर सकेंगे। तो इसमें कुछ छेड़खानी नहीं करनी है। अगर आपको टैली का लेटेस्ट वर्जन, बाय द वे ये क्या होता है कि टैली जो होती है आपका पुरानी हो जाती है, ओल्ड फीचर हो जाते हैं, अगर आपको नया चेक करना है तो यहां पर आपके सामने देखिए ये जो चेक लेटेस्ट लिखा हुआ है, इस चेक लेटेस्ट को आपको क्या करना है, इस पे क्लिक कर देना है। क्योंकि मैंने अभी डायरेक्ट डाउनलोड किया हुआ है तो ये अपडेटेड है, डायरेक्ट आपको इंस्टॉल पर क्लिक कर देना है। इंस्टॉलेशन प्रोसेस हो रहा है और इंस्टॉलिंग tally.erp9 की जो सीरीज है वो हमारे लैपटॉप में इंस्टॉल हो रही है। तो इसके बाद आपको करना क्या है, इंस्टॉलेशन में थोड़ा सा समय लगता है, बहुत ज्यादा मैक्सिमम समय नहीं लगता है। आप देख पा रहे होंगे कि यहां पर टैली में इंस्टॉल होते समय, इंस्टॉल होते ही tally.erp9 का एक यहां पर लोगो बन गया है, लोगो मीन्स आइकन बन गया है हमारे डेस्कटॉप पर। और यू हैव सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड tally.erp9 सीरीज और रिलीज 6.6.3 64 bit, ये इंस्टॉल हो गया है। आप इसको डन करें और डन करने के बाद जैसे ही आप डन करेंगे आपके सामने टैली का जो विंडो है वो ओपन हो जाएगा, बट ओपन होते ही ये कुछ परमिशंस मांगेगा। क्योंकि मैंने परमिशंस इसलिए नहीं मांगा क्योंकि पहले मैंने टैली को इंस्टॉल किया हुआ था तो उसको परमिशन हमने दे दिया था। इसके सर्वर को परमिशन देना होता है, इसके नेटवर्क को, कंप्यूटर के नेटवर्क से इसके नेटवर्क को आपको जो लोकल होस्ट होते हैं उनको परमिशन देना होता है। तो आपको करना कुछ नहीं, बस जो भी चेक आएगा होम नेटवर्क और पब्लिक नेटवर्क पर क्लिक करके आपको उसको कंटिन्यू करके आगे बढ़ जाना है। यहां पर चूंकि अभी आपको जो भी मैं टैली सिखाऊंगा वो टैली होगा एक एजुकेशन पर्पज के लिए, एजुकेशनल मोड के लिए, इसलिए ये टैली एक्टिवेट नहीं है। अगर आप ओरिजिनल टैली का सीडी लेना चाहते हैं तो मार्केट्स में जो अवेलेबल होता है, जो आपको इंटरनेट पर अवेलेबल होता है, वो 20,000 या फिर 90,000, 21,000, अलग अलग फीचर्स के, जैसे सिल्वर टैली आती है और बाकी आपका गोल्ड टैली आता है। गोल्ड मतलब हो गया कि मल्टी लेवल यूजर्स उस पर यूज कर सकते हैं। सिल्वर मोड में होता है कि आप सिंगल मोड में, या फिर मतलब अलग अलग फीचर्स होते हैं उसके। लेकिन अगर आप हमसे संपर्क करते हैं तो मैं आपको जो टैली का सॉफ्टवेयर है वो मैं 7,000 से 8,000 में आपको ओरिजिनल विद की के साथ आपको मैं परचेस करा दूंगा। क्योंकि हम लोग टैली को ट्रेनिंग सेंटर चलाते हैं तो हमारा टैली वालों के साथ एक अपना पैचअप बना रहता है, लिंकअप होता है। तो इसलिए अगर किसी को भी ओरिजिनल टैली का सॉफ्टवेयर चाहिए तो आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। जो चीजें आपको 20,000 या फिर 21,000, 22,000 में, 18,000 में परचेस करना होता है वो मैं 7,000 से 8,000 में आप बिल्कुल आसानी से परचेस कर सकते हैं। वो सॉफ्टवेयर आपको आपके नाम पे रजिस्टर्ड मिल जाएगा। तो चलिए प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पर एक्टिवेट टैली, टैली को एक्टिवेट नहीं करना है और आपको सीधे चले आना है वर्किंग इन एजुकेशन मोड, इसको आपको एंटर करना है। एंटर करने के बाद आपको ये देखिए ये इंटरफेस आपके सामने आ गया, कंपनी इन्फो स्क्रीन आपके सामने आ गई। आगे की वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि टैली पर कार्य करते समय हमें किस तरीके के शॉर्टकट्स का प्रयोग करना है। अगर हम शॉर्टकट्स नहीं जानेंगे, जैसे बैक जाने के लिए आप यहाँ पे क्विट लिखा हुआ है, क्विट तो माउस का यूज देखिए टैली में बहुत कम होता है, इसलिए हम शॉर्टकट्स का यूज ज्यादा करते हैं, माउस का यूज टैली में बहुत ही कम करते हैं। तो अगली वीडियो में हम मिलेंगे एक नए शॉर्टकट के साथ। और वीडियो को फिर से मैं बोल रहा हूँ, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, चैनल को जितना हो सके शेयर करें, क्योंकि अगर किसी को जानकारी मिलती है, नॉलेज होता है, तो उससे कोई नुकसान नहीं है और हमारा भी मनोबल बढ़ता रहेगा। तब तक के लिए बाय बाय।